सबसे पहले हम मशीन का एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को देखना है कि एक्स एक्सिस कौन सा और जेड कौन सा है, क्योंकि टूल इसी में बना होता है। अगर हम हैंडल वाली बटन आपने दबा दी, ठीक है, हैंडल वाली बटन दबाने के बाद ये आपका एक्स एक्सिस है, अगर ये नीचे आता है तो माइनस और ऊपर जाता है तो, और अगर पीछे जाता है तो प्लस और आगे आता है तो। अब इसको याद कैसे रखें कि प्लस और माइनस कैसे हो, याद तो याद रखने का तरीका है, अगर टूल वर्क पीस, इसमें लगेगा वर्क पीस, ये स्पिंडल, ये क्या है, इसको हम स्पिंडल कहते हैं, इसमें वर्क पीस लगता है, अगर टूल वर्क पीस की तरफ आता है तो वो माइनस है, और अगर वर्क पीस से दूर जाता है तो प्लस है, ये हमको ध्यान रखना, बोलो क्लियर है। अब इसमें टूल हमारा एक्स एक्सिस को जेड एक्सिस को चलाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं जो प्रोसीजर बताऊंगा उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो मैं आपको बता दूं, न्यू स्टूडेंट कितने हैं, जो न्यू है बिल्कुल, ठीक है, उनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मशीन पहली बार देख रहे हैं, कौन कौन है, आपका नाम क्या है? रमेश। आप कहाँ से आए? जोधपुर से आए रमेश। कब पहुंचे थे आप? अभी जस्ट सुबह पहुंचे और मशीन पर इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका, ठीक है ना। और आप आज सुबह ही आए जोधपुर से ना, नाम क्या आपका? महिंदर। तो सुबह आपको 8 बजे शार्प यहाँ पहुंचना है, 8 बजे से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा और एक दिन सीएनसी पे, कल आपको कहाँ पहुंचना है? बीएमसी पे। सीएनसी पे पहले चलाना सीखो, दूसरे दिन बीएमसी पे, और आपको पूरे दिन क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा, शाम को आपको 5:30-6 बजे ही छुट्टी मिलेगी, बीच में खाना खाने जाओगे लेकिन छुट्टी नहीं है, ठीक है। आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? हर्ष। ये गुजरात से आए, जामनगर से, और फादर भी आए साथ में इनके, है ना, बैठे, ठीक है ना। तो हर्ष कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, 8 बजे प्रैक्टिकल स्टार्ट। और आप कहाँ से आए हो? कौन से जिले से? अयोध्या। ये अयोध्या से है, यूपी से, है ना आप? राजस्थान अलवर से। ये राजस्थान अलवर से आप? मुजफ्फरनगर यूपी से हैं। और आप? बिहार से हैं। आगे आ जाओ, बिहार में कहाँ से हो? मोतिहारी जिला बिहार से है, ठीक है ना। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, तो अभी जो जिनके जो आपके साथी हैं जो अब आए हो, तो उनको कुछ कहना चाहोगे? कोई भी दिक्कत अगर तुमको हो मेरे को तुरंत बताओ। मैं सुबह 8 बजे से रात के 9:30 बजे तक इसी काम में लगा रहता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे बताओ, सीधा सीधा, बीच में कोई पचड़े वाली बात नहीं है, ये नहीं कि सर बिजी है क्या है, मैं बिजी हूँ कुछ नहीं है। और अब कहे कि सर खाली कब होंगे, मैं खाली नहीं हूँ, इसीलिए चलते काम नहीं बताना है, तुमको बता के दे देना है कि सर ये काम, लेकिन तुम कहो कि सर खाली होंगे तो आज पूरे दिन तुम देख लेना, मैं तुम्हें खाली नहीं मिलूंगा, क्योंकि खाली में बैठता ही नहीं, अपना लगा रहूंगा काम, ठीक है। तो आप कहाँ से हो? यूपी में। कहाँ से? बहराइच। यूपी में बहराइच से। नाम क्या आपका? मोनू कुमार। बहुत बढ़िया। आप सर? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, मैं झारखंड से पलामू से आया। मनोज कुमार सिंह झारखंड से आए। आप बताओ, पानीपत? मानसून। पानीपत से है ये? पानीपत में तो कंबल ज्यादा बन होते ना। आप? आरा जिला बिहार से। नाम क्या है? मुन्ना कुमार। तो आप? रूप किशोर। ये अलीगढ़ से है। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, और हर्ष, हर्ष के फादर भी आए साथ में गुजरात से, साथ में, तो कहना चाहोगे सर कुछ? आ जाओ, हर्ष के फादर हैं।
आप कहना चाहोगे कुछ? मतलब काफी कुछ सुना था सर के बारे में कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसीलिए वहाँ से इधर आए हैं। एक बार बच्चे ने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है फिर भी वापस ले गए हैं कि चलो भाई यहाँ से ही करना था फिर से। हाँ मतलब एक बार ये कोर्स गुजरात में किया हुआ है कहीं से कर लिया है ये सी एन सी का कोर्स करने के बाद फिर ये आए, तो देखो हमारा कितनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, ये सब मेरी जिम्मेवारी बढ़ा देते हैं, मेरे को रात दिन लगना पड़ता है। जब ऐसे बोलते ना तो मेरे को अंदर से आता यार बताओ, तो मुझे सुबह सुबह 8 बजे में आ गया था ना, सुबह 8 बजे आके लगना पड़ता है और रात के 9 बजे 10 बजे तक सर ये प्रोसेस मेरा चलता है। जब सब कहते हैं कि सर बढ़िया अच्छा लगता है आप पढ़ाइए पढ़ाइए, तो फिर मुझे पढ़ाना लगना लगा रहना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारा डेली का प्रोसेस है और डेली यही प्रोसेस हमारा चलता है। अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, सीएनसी मशीन को स्टार्ट करना सबसे पहले अभी हर्ष ने कर लिया। अभी आप हर्ष जो है ना ऑलरेडी ट्रेनिंग पहले गुजरात में ले चुके हैं ना, फादर बता रहे थे अभी इनके सीएनसी सीखी हुई है, बट फिर भी यहाँ पे आए। अब देखो मेरी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है ना, जब ऐसे बोलते हैं तो और ज़्यादा वो अंदर से आता है कि भाई और मेहनत करो। क्यों अब मशीन पे आओ, कौन था अभी आ जाओ। हाँ ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, मशीन को एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को होम पे मशीन एक्स और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस की होम पोजीशन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इन दोनों की होम पोजीशन के लिए देखने के लिए हमको क्या चाहिए, मशीन में दोनों 0-0 होने चाहिए। अब मशीन में एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, 0.008 माइनस में होगा माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर। अब ये जो वैल्यू है ये मशीन ऑन पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि अगर ऑन पे होती एक्स और जेड दोनों में ये वैल्यू एग्जैक्ट जीरो कितनी होती, जीरो होती, बट ये जीरो नहीं है, इसीलिए अभी मशीन ऑन पोजीशन पे नहीं। बोलो क्लियर है। अब हम करने का तरीका समझो क्या है कि एक्स और जेड को कैसे हम पे किया जाए। ये इन्होंने पहले मशीन नहीं चलाई कभी भी, फर्स्ट टाइम आज मशीन देख रहे हैं, पहले ही दिन इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने रिफरेंस आर ई टी वाली बटन दबाओ, बटन दबाओ। इसको दबाने के बाद एक्स 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 वाली बटन दबाओ, एक्स एक्सिस के लिए एक्स दबा दो, दबा दिया। फिर आपने प्लस वाली बटन दबानी है, दबा दिया। फिर आपने जेड वाली बटन दबानी है, फिर आपने प्लस वाली बटन दबा दिया। अब आप देखो ये दोनों मशीन में देखो दोनों वैल्यू जीरो हुई या नहीं हुई, हो गई। अब ये रिफरेंस हो गया। अब मुझे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में आगे लेके आना है, तो एक्स में लाना है माइनस 52.704 और जेड में लाना है माइनस 78.306। मुझे इस वैल्यू पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, हैंडल मोड में लाना है, क्या मिलाना है, तो मैं यहाँ पे हैंडल वाली बटन दबाऊंगा, हैंडल वाली बटन प्रेस करो। हाँ। हैंडल किया। हाँ। हैंडल वाली बटन हैंडल के बाद अब आपने कौन सा एक्सिस चलाना है, एक्स या जेड। अगर आपने एक्स चलाना है तो प्रेस एक्स, एक्स को प्रेस किया। हाँ। एक्स को प्रेस करने के बाद फिर 100 की स्पीड सेलेक्ट करो या 10 की करो या 1 इनमें से एक कर लो, पहले 100 कर लो, कर दिया 100। और इसके बाद एमपीजी है नीचे पहिया सा होगा एमपीजी, इसको प्लस माइनस में रोटेट कराते हैं। एमपीजी जानते हो कौन सा है, नहीं जानते, ये देखो ये एमपीजी है, क्लियर है, क्योंकि भाई देखो स्टूडेंट का पहला दिन है तो उसे पता नहीं ना कौन सी बटन कहाँ है, बता नहीं पड़ती है, तो ये क्या है एमपीजी।
ये एमपीजी है, इस एमपीजी को आपने घुमा के वैल्यू को कवर करना है। अब इसमें वैल्यू को करो जरा 100 की स्पीड पे, हैंडल को चलाओ और एक्स एक्सिस पर ध्यान रखना मशीन में, मशीन में जो वैल्यू लानी है जो मैंने बताई है वो लाओ, हैंडल को चलाओ। और हैंडल को पकड़ने का तरीका समझ लो, कभी भी हैंडल को यहाँ से मत पकड़ो, हमेशा ऐसे ग्रिप करो और ऐसे ऐसे आनंद लो। और ये एक्स एक्सिस चलेगी, देखो नीचे आएगी, ये भी ध्यान, इधर भी देखते रहो कि नीचे आ, लाओ, टेंशन मत लो, लिमिट बांधी हुई है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। -52 तक -52.704। अब ध्यान दो किसको कैसे सेट करना है, 5 को सेट करना है 100 पर रख के, 2 को सेट करना है 100, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो mm होती है और डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो माइक्रोन होती है, क्या होती है, माइक्रोन। अब ये डेसिमल पॉइंट से पहले की वैल्यू को 100 पे रख के कर लिया और बाद की वैल्यू जो 7 है इसको भी 100 पे रख के कर लिया, क्योंकि ये 704 माइक्रोन है और जो बीच का है ये इनटू 10 पे करना है, 0 को 10 पे करके सेट करो, 0 सेट हो गया, 7 हो गया, 4 होना है तो 7 4 है ना, 4 नहीं हुआ, 7 हुआ, 700 हुए 7, 4 को करना है तो 4 को 1 पे करो, 1 पे करके 4 सेट हो जाए, 1 पे करके अब देखो 4 सेट हो हो गया, हो गया, अब समझ में आ गया ना किससे कौन सा सेट होगा। अब तुम इसी में, ये तो एक्स था ना, अब मुझे जेड को सेट करके दिखाओ, -78.306 ऐसे ही करना जैसे उसको दिया, पहले जेड दबाना, जेड जेड सेलेक्ट कर, कर दिया, जेड सेलेक्ट करके अब मूवमेंट कराओ एमपीजी का माइनस, दबाओ, पहले 100 दबाना, हाँ 100 पे 100 पर आगे लाओ, कितना लाओ, -78.306 कर दिया, हो गया -78.306। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा तुम्हें, अच्छा लग रहा है ना। अब इससे देखो इसका पहला दिन है स्टूडेंट का, फर्स्ट डे, अब रिफ्रेश कर दो 00 पर, रिफ्रेश प्रोसीजर ये रहा सामने लिखा है, ये इधर देख लो जल्दबाजी नहीं है, रिफ्रेश रिटर्न दबाओ, दबा दिया एक्स 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 प्लस प्लस जेड प्लस प्लस। अब देखो मशीन में दोनों वैल्यू 0 हो गए, हो गए बिल्कुल। आपको कल फिर प्रैक्टिस करनी है, सुबह 8 बजे पहुंचना है ना, तो उसको प्रैक्टिस करना है, आपको जाना है बीएमसी, क्योंकि आपको आप पहले ट्रेनिंग ले चुके हो कहीं पे और है ना, इसलिए आप बीएमसी तक पहुंचो।